सर स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, ओके यस सर। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको थोड़ा समझते हैं पहले हम यहाँ पे। व्हाट इज SHM? नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंपल। एक्सक्यूज मी सर, आवाज आ रही है मेरी सर? बेटा आवाज आ रही है? आया ना, कुछ तो बोला करो। यस सर। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होगा? ऐसा मोशन जैसे सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना, अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना, ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है, इट इज पीरियोडिक। अगर ये एग्जांपल कोई आपसे पूछे ना, अर्थ का रेवोल्यूशन, अर्थ का सन के चारों तरफ रिवॉल्व होना, आप बोलेंगे इट इज पीरियोडिक, बट नॉट मी सिंपल हार्मोनिक। फोन कर दो, आ जावे हुण। बेटा ये म्यूट करो आप लोग ना, अगर आवाज आ रही है। पीरियोडिक बट नॉट SHM। पीरियोडिक वो होता है जिसको पूरा करने में एक फिक्स टाइम लगता है, एंड वी नो कि अर्थ को सन के चारों तरफ एक साल लगता है, 1 ईयर। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 1 ईयर। ऐसे ही अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमना पीरियोडिक बट नॉट SHM, याद रखना। तो यहां से ये पता चलता है कि जो मोशन पीरियोडिक होंगे वो जरूरी नहीं है कि SHM में हो। पीरियोडिक होना अलग बात है, SHM होना अलग बात है। तो SHM होता क्या, हम इस पे आएंगे अभी, लेकिन एक मोशन मैं आपको और बता दूं, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बेटा? जैसे पेंडुलम का मोशन है, पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेट करता है। पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ, ये मीन पोजीशन हो जाती है इसकी, एंड दिस विल बी एक्सट्रीम पोजीशन। पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेट करता है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, मतलब टू एंड फ्रो मोशन। ये सब आपने बेसिक थ्योरी पढ़ी हुई 11th में, थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए, लेकिन जो कहीं और से भी पढ़ के आए हैं उन्होंने भी 11th में ये पढ़ा हुआ है, टू एंड फ्रो। अब ये दो मोशन अलग अलग मोशन है, हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मोशन सिंपल हार्मोनिक कब होगा? बहुत सारी डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा मैं, कंपटीशन कर रहे हो आप, इसके लिए मैं हमेशा ही बच्चों को 4 कंडीशन देता हूँ। एक, मोशन शुड बी पीरियोडिक। सिंपल हार्मोनिक होने के लिए पीरियोडिक होना जरूरी है, बट पीरियोडिक होने के लिए सिंपल हार्मोनिक होना जरूरी नहीं है। दूसरा, मोशन शुड बी ऑसिलेटरी। मोशन शुड बी ऑसिलेटरी। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फोर्स लगती है ना, या एक्सेलरेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1 होना चाहिए। कौन सी फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स, या मैं यू कह लू, एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी, और चौथी, एक्सेलरेशन माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स होना चाहिए। नेगेटिव का साइन आएगा, नेगेटिव का, यहाँ कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, वो मैं बताऊंगा कंडीशन आपको, और एक्स की पावर 1।
बेसिकली अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना, तो आपका मोशन सिंपल हार्मोनिक ही होगा, क्योंकि इन कंडीशन से बाकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो नट शेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि कोई भी मोशन को SHM कहने के लिए, कोई भी मोशन को SHM कहने के लिए आप इससे कंपेयर कर दो, ये कंडीशन आ गई आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें पहली कंडीशन भी ओके, पीरियोडिक इसका टाइम पीरियड निकल जाएगा। दूसरी कंडीशन ऑसिलेटरी, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है ना एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो नेगेटिव साइन है वो इसको ऑसिलेट करवा रहा है। और तीसरी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और चौथी नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन हमेशा ही टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन मस्ट बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो। यहां तक बेटा किसी को पूछना हो SHM में होने की ये चार कंडीशन है। पहली मोशन शुड बी पीरियोडिक, दूसरी मोशन शुड बी ऑसिलेटरी, तीसरी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, चौथी एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और मैथमेटिकल कंडीशन क्या हुई, ये वाली, ये कहां से आई मैं इसको प्रूव कर दूंगा, लेकिन प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है। इसके अंदर ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/T, इट इज 2π/T। किसी बच्चे को यहां तक पूछना होगा यस और नो में आंसर दिया करो फटाफट। नो सर। ओके नो सर। दूसरा पॉइंट अब देखिए, जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है उसकी इक्वेशन ये होती है ए साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये बनेगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो ये बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर मैं इसका भी डेरिवेटिव करता हूं तो ये बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इतना डिफरेंशिएशन तो सबको आता ही है, आता है ना। अब फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड में पुट करो तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यहां मैंने वाई डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो वो जो कंडीशन थी जिसको मैंने एक्स में लिखा था, एक्स वाई में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही किसको शो कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं। तो ये कंडीशन मैंने प्रूव भी कर दी कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतना समझ में आ गया कमल आपको? यस सर। आर्यन सभी बच्चे? यस सर। ओके अब देखो कंपटीशन में क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना। आपको कोई भी फंक्शन दे देंगे, जैसे मैंने ये दे दिया वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 3t प्लस कॉस ऑफ 3t, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर है तो इसका टाइम पीरियड बताओ, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी मत बताओ, बोल दो कि नहीं है। तो जब भी आपको इस तरह का न्यूमेरिकल कंपटीशन में आएगा, आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन यूज करके एक्सेलरेशन निकालनी है। पहले मैं निकालूंगा वेलोसिटी, साइन का डेरिवेटिव होता है 3 तो बाहर आ जाएगा कॉस 3t, और कॉस का होता है माइनस साइन 3 साइन 3t। फिर आप निकालो एक्सेलरेशन,
फिर से थ्री बार आएगा माइनस नाइन साइन थ्री टी, फिर से थ्री बार आएगा माइनस नाइन कॉस थ्री टी। यहां तक कोई डाउट हो किसी को? अब नो सर, ये वाली इक्वेशन पुट हो सकती है, चेक करके देखो, हो रही है साफ साफ हो रही है। अगर मैं नाइन को कॉमन ले लू, नाइन को कॉमन ले लू तो अंदर क्या बचेगा, साइन थ्री टी प्लस कॉस थ्री टी, यही बचेगा ना। और ये क्या है वाई, तो मेरे पास नाइन वाई आ गया, एक्सेलेरेशन और नेगेटिव साइन भी आ गया। अगर नेगेटिव साइन ना आता ना तो भी सिंपल हार्मोनिक नहीं था, और अगर इसकी कोई पावर आती तो भी सिंपल हार्मोनिक नहीं था। अभी मेरे पास नेगेटिव साइन भी आ गया और वाई की पावर वन भी आ गई। तो अल्टीमेटली जब मैं इस जगह पहुंच गया तो यहीं से मुझे कंपेयर करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन से। देखो ए की पावर वन है, ए की पावर वन है, वाई की वन है, वाई की वन है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है। आंसर इज यस, इट इज इन एस एच एन, इट इज इन एस एच एन। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड, आप कंपेयर कर लोगे, ये नाइन है, इधर क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना आएगा बेटा, थ्री। ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाय टी, थ्री। तो टी क्या बनेगा, टू पाई बाय थ्री सेकेंड, टू पाई बाय थ्री सेकेंड, दिस इज द टाइम पीरियड। क्या ये क्लियर है क्या सबको? यस यस सर, वेरी गुड। एक क्वेश्चन करो सब बच्चे और बताओ एस एच एम में है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो टाइम पीरियड निकालना आपने, लिखिए। ई की पावर माइनस थ्री टी, क्या ये एस एच एम में है, चेक करके देखते हैं। फटाफट आंसर दो, यस और नो में। ओके चेक आउट। देखो बेटा इसमें सबसे पहले निकालो आप वेलोसिटी। अब ये डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, ई का डेरिवेटिव जो भी होता है सेम होता है, साथ में ई के साथ जो होता है इनटू में आ जाता है। एक्सेलरेशन करोगे तो एक बार और माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री आएगा, ये बन जाएगा नाइन ई की माइनस थ्री टी। क्या वाई इसमें पुट हो रहा है, यस। तो आपके पास एक्सेलेरेशन क्या बनेगी, एक्सेलेरेशन बिकम नाइन वाई। क्या एस एच एम में है ये? नो सर, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन नहीं आया ना, तो आपका आंसर आएगा इट इज नॉट इन एस एच एम, इट इज नॉट इन एस एच एम। ओके तो नोट क्या करना है अब आपने, इम्पोर्टेंट नोट ये है कि कोई भी ई की पावर में कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर समथिंग, या टी टी में ले लो, ई की पावर में टी कुछ भी आ जाए, या लॉग के साथ कुछ भी आ जाए, ये एस एच एम में होते ही नहीं है, कभी भी नहीं होते। ना तो
एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ना ही लॉग रैथमिक, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उनको देख के बता देना, नॉट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं होते, अपने दिमाग में बिठा लो। फिर कौन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सिर्फ साइन टी वाले फंक्शन या कॉस टी वाले फंक्शन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन भी नहीं होते, टेंजेंट टी कोटेंजेंट टी नहीं होते, इवन इनकी कोई पावर हो साइन स्क्वायर साइन क्यूब ये भी नहीं होते, सिर्फ साइन या कोस वाले जो फंक्शन होंगे वही आपके एसएचएम में होंगे, तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी अपने को। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो मैं आपको कहता हूँ वाई इज इक्वल टू साइन की पावर 40, क्या ये एसएचएम में होगा? आंसर होगा नो। मैं लिखता हूँ वाई इज इक्वल टू साइन की पावर क्यूब टी, क्या ये एसएचएम में होगा? नहीं। मैं लिखता हूँ टेंजेंट टी, नहीं। वाई इज इक्वल टू सीकेंट टी, नहीं। तो जब ये सब कुछ है ही नहीं एसएचएम में, तो हम मैथमेटिकली प्रूव क्यों करें? हम सीधा आंसर देंगे नॉट इन एसएचएम। क्या ये वाला पेज क्लियर कर दूं? यस सर। आप रिस्पॉन्ड करोगे तो जल्दी जल्दी से पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। तो मैंने अब क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया कि कौन से फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन आर इन एसएचएम, तो आप कहेंगे जैसे मैंने ये लिखा 3 sin 40, साइन में है ना, यस। मैंने लिखा 4 cos 5t, यस। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर दो फंक्शन एसएचएम में है तो क्या इनका सम, पीयूष गर्ग आप बताना, क्या इनका सम एसएचएम में होगा? देखिए दो एसएचएम मिलकर एसएचएम बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, तो कंडीशन क्या है? अगर तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा होता है सेम हो, अगर यहां भी कॉस 40 होता तो ये एसएचएम में है, नहीं तो ये एसएचएम में नहीं है। अब प्रूव करके देख लो, डबल डेरिवेटिव करके एसएचएम में नहीं आएगा। लेकिन जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, अब मुझे ध्यान नहीं वो क्या स्टेटमेंट थी, लेकिन उसमें मैंने शायद ये एंगल सेम रखा हुआ था, आपने अगर नोट किया तो चेक करो अपने नोट में, ये वैल्यू यस सर सेम था। अगर ये वाला एंगल सेम होगा तभी, तो चाहे तीन हो ऐसे 5 sin 3t, चाहे 4 हो 6 cos 3t, कितने भी हो, अगर उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनका सम भी एसएचएम में होगा, उनका डिफरेंस भी एसएचएम में होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना है, कंपटीशन में आपको पॉइंट्स ही नोट करने होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये नोट करना है, सम हो सम या डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू एसएचएम आर इन एसएचएम इफ दे हैव सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आक्षी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ब्लर तो नहीं आ रही है, कल जैसे कंप्लेंट कर रहे थे कि लेट आ रहा है आपके पास? नहीं सर ब्लर तो नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूँ उससे समझ में आ जाएगा बेटा। तो सम और डिफरेंस ऑफ टू एसएचएम आर इन एसएचएम इफ दे हैव सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये एसएचएम में है, बस आपने यस और नो में बता देना, 2 sin 40
3 cos 40 माइनस 5 साइन 5t, क्या ये तीनों मिलकर है? नो सर, सेम थी। अगर तो क्वेश्चन ही इतना होता, यहाँ तक होता, तो आप क्या कहते हैं, यस दे आर इन एसेटर। लेकिन इसके साथ मैंने ऐड कर दिया अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक फंक्शन, नॉट इन एसेटर, नॉट इन एसेटर। कर लोगे ये चीज? यस। थोड़ा सा तुम्हें स्लाइड शो में कुछ दिखाता हूँ। सर इसकी एक रिकॉर्डिंग भेज देना। रिकॉर्डिंग मैंने लगाया हूँ ना, रिकॉर्डिंग पे चेक करो। यस सर। हाँ कोई बात नहीं, भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो देखो। इसको मैं छोड़ता जा रहा हूँ, छोड़ते जा रहा हूँ। जो मुझे दिखाना होगा वो मैं दिखा दूंगा। ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। एस एच एम दो तरह का होता है, ये आप नोट कर लो। एस एच एम दो तरह का होता है। ये लिखा हुआ लीनियर, एक होता है लीनियर एस एच एम और एक होता है बेटा एंगुलर एस एच एम। एंगुलर एस एच एम, एंगुलर एस एच एम, एंगुलर एस एच एम, ये देखो जिसके अंदर एंगल चेंज हो रहा है ना, देखो रोटेशन हो रही है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो तो इसके अबाउट ये मूव करेगा, इसके अबाउट ये मूव कर रहा है, तो ये इसको बोलते हैं एंगुलर एस एच एम। और जो उससे पहले आपने स्प्रिंग देखा था वो सिर्फ आगे पीछे जा रहा है ऐसे, उसको बोलते हैं लीनियर एस एच एम और इसको बोलते हैं एंगुलर एस एच एम। दोनों की कंडीशन में फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें तो आप लगाते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं लेते, अल्फा लेते हैं, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और वाई की जगह कौन ले लेता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वाई की जगह कौन ले लेता है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वाई की जगह ले लेता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर एक्सेलरेशन ए वेक्टर में तो आप दिखाई सकते हो। तो कितने तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा बताओ? अब ये एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके आंसर करना। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए टाइप ऑफ, मैं चार ऑप्शन देता हूं, रोटेशनल मोशन की टाइप है, या ऑसिलेटरी मोशन की टाइप है, या कर्वीलिनियर मोशन की टाइप है। रोटेशनल मोशन की, रोटेशनल मोशन क्या होता है, जब बॉडी अपनी एक्सिस चलती है। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन ये होता है बॉडी किसी पॉइंट के टू एंड फ्रो घूमती है। कर्वीलिनियर मोशन किसी भी कर्व में होगा, नन ऑफ दी। तो आप सर डी बोला ऑसिलेटरी मोशन, बिल्कुल सही आंसर। क्योंकि एस एच एम कोई भी ले लो, एस एच एम के एग्जाम्पल देखते, सिंपल पेंडुलम क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग को आप खींच के छोड़ो तो स्प्रिंग क्या करेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। फिर आप कोई भी बॉडी को ऐसे फिजिकल पेंडुलम है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ो, ये बॉडी ऐसे ऐसे घूमेगी, इसको बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। मैं नाम भी लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, इसको बोलते हैं स्प्रिंग पेंडुलम। तो जितने भी पेंडुलम है ना, वो सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और भी बहुत सारे एग्जांपल है,
आप क्या करो, एक कंटेनर में लिक्विड ले लो, लिक्विड है, यहाँ पर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, तैर रही है यार, तो बॉडी फ्लोट कर रही है, और अगर हम इसको थोड़ा सा पुश कर दें नीचे की तरफ और रिलीज करेंगे तो क्या होगा, सोच के बताओ। जब इसको पुश करके हम रिलीज करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये बॉडी ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर आप एक यू शेप ट्यूब ले लो, यू शेप ट्यूब, उसके अंदर आपने लिक्विड ले लिया, अब किसी तरह से एक तरफ आपने लिक्विड का लेवल सप्रेस कर दिया, डिप्रेस कर दिया नीचे, यहां पर ले आए, जब आप लिक्विड का लेवल नीचे लेके आओगे तो दूसरी तरफ लिक्विड का लेवल ऊपर चला जाएगा, अब वो लेवल इसको वापस लेके आएगा और लिक्विड इसके अंदर इस तरह से ऑसिलेट करेगा, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, ऑसिलेटरी। यस, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए टाइप ऑफ, क्या आंसर आएगा, ऑसिलेटरी मोशन। इज इट क्लियर? यस सर। शाबाश, आप नोट कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसका जो भी आपका रिकॉर्डिंग है सेंड कर दूंगा, आप वहां से बना लेना अपने नोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन तो होगी, इसका आंसर बताओ आप। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is proportional to the distance of the body from कहाँ से? Option fixed axis, fixed line, fixed point या none of these? Sir, option C. Line. Fixed point. C. आप लोग कह रहे हो C, बिल्कुल सही है, वो fixed point को हम बोलते हैं mean position. फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। बेटा कंपटीशन की क्लासेस ना ऐसे ही मैं पीपीटी पे ही करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन मैंने सेव किए हैं वो साथ साथ आपसे डिस्कस भी हो जाएगा, तो अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है यहाँ पर पढ़ने की इसके ऊपर, फिर तो मैं शीट्स पे आ जाऊंगा, बट मुझे लग रहा है कि कॉम्पिटिशन क्लास नहीं सर, सही है, ठीक है सर, इसमें मुझे क्वेश्चन भी फीड करने की दिक्कत नहीं है, कितने भी डाल सकता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। लेक्चर तो मैं जो नोट कर रहा हूँ वही आपने नोट करना, इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लिया करेंगे, बट बेनिफिट ये हो जाता है कि क्वेश्चन हमें ठीक नजर आते हैं। एनीवेज, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसमें मैंने डाला है तो डाला हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड, बता दोगे ये तो आप? लीनियर एसेंशन। पहला ही है ना, पहला ही होगा, सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन था, और इसके अंदर पीपीटी के अंदर मैंने कैटेगराइज किए हुए हैं क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, बेसिक, थोड़े से टफ, फिर मेडिकल के प्रीवियस ईयर के और मेंस के प्रीवियस ईयर के, तो अगर हम पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही कवर कर लेंगे, जो आपकी प्रेपरेशन भी हो जाएगी साथ साथ। दिस इज योर लीनियर नाम ही बना दिया बेटा, एक्चुअली जो बॉडी कर्व के अलोंग घूमते हैं, पेंडुलम है, पेंडुलम का मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं, बट ये SHM में भी नहीं होता, फिर हम जो सिंपल पेंडुलम लेते हैं उसका एंगल इतना छोटा लेते हैं कि वो हमें ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन लगे। तो जब मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया दो तरह का SHM है, तो ये तो इसने ऑप्शन बनाया, बस चार ऑप्शन बनाने के लिए। SHM की थ्योरी में ही मैंने आपको बता दिया कि SHM दो ही तरह का, वन इज लीनियर, अदर इज
एंगुलर। ये कर्वी लीनियर मोशन SHM में होता ही नहीं है, जस्ट एक ऑप्शन बनाया बेटा और कुछ नहीं। ये रॉन्ग ऑप्शन है, ये भी रॉन्ग हो गया। ये दो आंसर हो सकते थे, बट स्ट्रेट लाइन में कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन में दैट इज लीनियर। अगर इसको मैं SHM प्रूव भी करता हूँ इसको, तो ये एंगुलर SHM में आएगा। कर्वी लीनियर होता है किसी भी शेप की कर्व, वो SHM में आता ही नहीं है, वो मोशन SHM में होता ही नहीं है। तो ये तो ऑप्शन ही रॉन्ग है, हमें करेक्ट ऑप्शन देखना था। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब मैं कुछ थ्योरी नोट करवाता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। SHM में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है ½mv² और v मैंने आपको बताया था अभी a ओमेगा cos ओमेगा t अगर याद हो, और y मैंने आपको बताया था a sin ओमेगा t, याद है ना ये दोनों इक्वेशन। अब पहले तो मैं आपको v और a y में रिलेशन बना के दिखाता हूँ। v होता है a ओमेगा, cos को मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहां से मैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालता हूँ, यहां पुट करता हूँ, बेटा आप लोग अब ध्यान से नोट कर लो सारे बच्चे, चाहे तो प्लस टू वाले बच्चे हैं मेरे जो 11th का सिलेबस पेंडिंग कर रहे हैं, चाहे रेगुलर प्लस टू जिनके एग्जाम कैंसिल हो गए वो बच्चे हैं, और चाहे ड्रॉप पर बच्चे हैं। आपकी वीक में 3 days प्लस 1 का SHM चलेगा, और 2 days आप लोग रिवाइज कर सकते हो जो मेरा टॉपिक चल रहा है ऑलरेडी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें मैंने आप लोग रिवाइज कर लेना, ये वाले बच्चे, ये वाले भी और ये वाले भी, उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज करवाया। ये क्लास मेरी सैटरडे और संडे को आ करेगी, और अब मुझे पोटेंशियल और कैपेसिटेंस स्टार्ट करना है उसके अंदर। तो अगर आपको रिवाइज करना होगा इन बच्चों ने, इनके लिए तो कंपलसरी है ही, इनका तो रूटीन में सिलेबस चल रहा है, अगर इन बच्चों ने रिवाइज करना होगा तो सैटरडे संडे का मैं टाइमिंग बता दूंगा, कर लेना। SHM हमारा 3 days चलेगा वीक में, हो सकता है 3 के कभी 4 हो जाए, और कभी क्लास 2 घंटे की भी हो सकती है अगर इवनिंग में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। इस पर मेरी सारी क्लासेस ओवर हो जाती है बच्चों, तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे आपस में। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर दी, ए कट जाएगा, तो एक रिलेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, कॉम्पिटेटिव न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं इस रिलेशन से। वो रिलेशन क्या बना, वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट। पिछली बार भी आप उठा के देखो नीट का पेपर, नीट के पिछले 5 साल के पेपर उठाना, 5 ईयर, और मेंस के भी, आपको 3 बार इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन मिलेगा, 3 बार, और बहुत आसान है। एक बार तो सीधा उसने कैसे दिया क्वेश्चन, उसने ये क्वेश्चन दिया कि एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रही है, बॉडी इज ऑसिलेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब उसका डिस्प्लेसमेंट x1 था तब उसकी वेलोसिटी v1 थी, आर्टिकल दे दिया, आर्टिकल के अंदर जब उसका डिस्प्लेसमेंट x1 था तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, v1, और जब उसका डिस्प्लेसमेंट x2 था मीन पोजीशन से तब उसकी वेलोसिटी है v2। कैलकुलेट एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 100% आपको पिछले 5 साल में 2 बार ये क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, 2 बार। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हो सकता है इस बार भी मिल जाए ऐसा सा क्वेश्चन। इसको सॉल्व कैसे करें आप देखते हैं, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो इसमें पहले ये वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास बनेगा v1
ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स वन। आप चाहो तो स्केयरिंग कर लो, स्केयरिंग करके इजी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्केयर साइन। सिमिलरली आप क्या लिख दो, वी टू, वी टू का स्केयर क्या होगा, ओमेगा का स्केयर ए स्केयर माइनस एक्स टू का स्केयर। ये दो इक्वेशन बन गई, सीधा डिवाइड कर देता हूं मैं। डिवाइड करते मेरा ओमेगा कट जाएगा, ए निकल आएगा, या इसको खोल लो। अब सिंप्लीफिकेशन तो बच्चे कर सकते हैं, बट मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको रिजल्ट ही याद करवा दूं, बार बार चक्कर में पड़े ही ना। हमें रिजल्ट पता होगा तो फिर हम ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे। वी टू क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टू का स्क्वायर। माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये वाली टर्म कट जाएगी, बचेगा क्या, वी वन का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर। इधर से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स टू का स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर, एक्स टू का स्क्वायर और एक्स वन का स्क्वायर, ये चीज बचेगी। काइनेटिक एनर्जी को बाद में देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन करें। अब यहां से बेटा ओमेगा क्या बनेगा, व्हाट वुड बी द ओमेगा, ओमेगा बनेगा, देखिए क्या बनता है ओमेगा, ओमेगा बन रहा है यहाँ पे वी वन का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर, नीचे उल्टा आ रहा है एक्स टू का स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपसे ओमेगा पूछा जाए तो आपने इस आंसर को दो तीन बार प्रैक्टिस करना है, आपका ये सारा टाइम बच जाएगा जितना टाइम मैंने लगाया। चलो मैं समझा रहा हूँ, मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया, फिर भी आप करेंगे तो आपका एक दो मिनट जाएगा, और दो मिनट मिलते नहीं है हमें, नीट में तो नहीं मिलते हैं, नीट वाले बच्चे को दो मिनट नहीं मिलते हैं पर क्वेश्चन। आपको मैक्सिमम 80 मिनट मिलेंगे 45 क्वेश्चन को, वो भी तब जब आपने बायो और केमिस्ट्री में टाइम सेव किया होगा। और जिस बच्चे की फिजिक्स अच्छी है वो मैं बाद में भी बताऊंगा। चलो अभी वो बच्चे ही बैठे हैं जो इस साल पेपर दे रहे हैं, जिनकी फिजिक्स अच्छी है मेरी ये एडवाइस है कि वो पहले फिजिक्स करें। जनरली बच्चे ऐसा नहीं करते, जनरली बच्चे पहले बायो और केमिस्ट्री करते हैं क्योंकि वो उनको आसान लगती है, लेकिन उसको करते करते वो इतना टाइम दे देते हैं कि जब वो फिजिक्स में आते हैं तो 45 क्वेश्चन करने के लिए कई बार 16 या उससे भी कम मिनट बचते हैं, फिर आपका ये पेपर नहीं हो पाता। फिर आप बड़े फास्ट फास्ट देखते हो और मिस्टेक्स करते हो, जब तक आपके 45 में से 35 प्लस क्वेश्चन ठीक नहीं होते आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ये मेरे से निकालना। चाहे आपका केमिस्ट्री बायो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, आपको 140 तो लेने पड़ेंगे फिजिक्स में। अगर कॉम्प्रोमाइज कॉलेज से करना है, अच्छा कॉलेज से नहीं एवरेज कॉलेज से करना है, तो फिर तो 120 तक भी चल जाएगा साहब, इवन 110 वाला भी ले जाता है अगर वो केमिस्ट्री और बायो में अच्छा स्कोर करता है। तो एनीवेज ये मैंने एक फॉर्मूला आपको दे दिया जो आप नोट कर लें। अब इस ओमेगा की वैल्यू ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना खुद, और खुद आप एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाल के उसको अपने नोट्स में डाल लेना। ये एम्पलीट्यूड है, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको, बोलो यस नो, कोई आवाज नहीं आ रही। यस सर। मुझे ऐसे लगता सो रहे सारे, टाइम तो सोने का ही है बट जागते रहे। अब मैं आपको बता रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, मैं एक बार थ्योरी सारी करवा दूंगा आज एक्सटेंशन, ताकि कल हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होने वाली है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया, ए स्केयर माइनस वाई स्केयर, वेलोसिटी यहाँ पुट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई, ये फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी, याद रखने वाला फॉर्मूला। इसमें ना एम ओमेगा स्क्वायर, इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर को फोर्स कांस्टेंट, नोट कर लो, के इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो आप अब चाहो तो कांस्टेंट की फॉर्म में इसको याद कर लो, के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी। देन आता है पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैं डिराइव नहीं करूंगा, मैं सीधा बताऊंगा, वो आपके पास बन जाता है के वाई स्क्वायर, के वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेशन आपने 11th में किया हुआ है थ्योरी में। तो आप ये के यही वाला के है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क है, हाफ के तो हाफ के सही है, बस यहाँ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, सिर्फ वाई स्क्वायर है, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, आप ऐड करके देखो ये कांस्टेंट आ जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर कांस्टेंट आ गई मैकेनिकल एनर्जी, और वो हमें इस थ्योरम को याद करवाती है, उस लॉ को, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। इज इट क्लियर? यस सर। लो ना चुस्ती से बोला करो, मुझे पता चले कि तुम लोग क्यूरियोसिटी से पढ़ रहे हो, एक दो तो ऑन करके इधर उधर निकल जाते, कल से वीडियो ऑन करके रखा करो अपने सारे। देखो इधर पांच वेरिएबल होंगे, पांच वेरिएबल, हाँ ऐसे रखा करो वीडियो ऑन, मुझे दिखने चाहिए कि आप लोग हो। देर आर फाइव वेरिएबल इन एस एच एम, वन इज डिस्प्लेसमेंट, अदर इज वेलोसिटी, थर्ड वन इज एक्सेलरेशन, फोर्थ वन इज काइनेटिक एनर्जी, फिफ्थ वन इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड सिक्स कर लो मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा ये छह वेरिएबल्स को हमने सीखा आज, इस छह वेरिएबल को हमने सीखा, वन इज डिस्प्लेसमेंट जिसकी इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा, सेकेंड इज वेलोसिटी जिसकी इक्वेशन होती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा, एक्सेलरेशन जिसकी इक्वेशन होती है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन मैंने बनाया वी इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों के बीच में रिलेशन बना चुके हैं ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ के, ये मैंने बता दिया क्या होता है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर, मैकेनिकल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। तो अभी तक जितना मैं बोल रहा हूँ पिछले आधे घंटे से, ये इसका कंक्लूजन है, दिस इज द कंक्लूजन। अब वो क्वेश्चन जो कंपटीशन का पार्ट है, जो आपसे पूछा जाता है, वो क्या है, फेज रिलेशनशिप, फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया। बेटा फेज रिलेशनशिप का मतलब समझ लो, y क्या है a साइन ओमेगा t, v क्या है cos में, उसको भी साइन बनाओ तो वो बनेगा, मैथ्स वाले जानते हैं साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, एंगल में क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और एक्सेलरेशन को भी आप साइन बनाओ, माइनस खत्म करने के लिए आपको करना पड़ता है
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री, ये मैथमेटिक्स है कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस 180 डिग्री और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस 90 डिग्री, ये ट्रिग्नोमेट्री है। अब इसका यूज करके अपने पास क्या रिजल्ट आ रहा है बेटा, इसका यूज करके अपने पास ये रिजल्ट आ रहा है कि अगर वाई में ए साइन ओमेगा टी है तो वेलोसिटी में ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 है, तो कौन आगे है, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी। तो हमारा कंक्लूजन क्या आया, वेलोसिटी लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री, वेलोसिटी लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री। सिमिलरली सर ये रिपीट करना, देखा ये आगे है ना प्लस 90 लिखा मैंने, ये समझ में आया, ये 90 कैसे आया सर? यही नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, देखो इधर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला तो पता है ना, ए ओमेगा, यहाँ ओमेगा भी है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये तो जानते हो आप? यस सर। अब कोस को साइन बनाने के लिए, कोस को साइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, उसमें 90 ऐड करना है। ओके सर। ये साइन मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है, ये भी साइन में है तो ये भी साइन में होना चाहिए, इसके साथ कुछ भी नहीं है जीरो डिग्री है, इसके साथ 90 डिग्री है, तो मैं क्या कहूंगा, वेलोसिटी लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री, वेलोसिटी लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री। सिमिलरली एक्सेलरेशन के अंदर माइनस साइन था, उसमें अगर मैं माइनस खत्म करता हूं तो यहां पर 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। मेरा कंक्लूजन क्या हुआ, एक्सेलरेशन लीड्स टू वेलोसिटी बाय 90 डिग्री, क्योंकि ये 180 है ये 90 है, एंड एक्सेलरेशन लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय 180 डिग्री, लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय 180 डिग्री। तो अब आपको कॉम्पिटेटिवली ये याद रखना है कि अगर ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो मेरे पास ये वाला ग्राफ यहां से शुरू नहीं हो, यहां से शुरू हो, ये वाला ग्राफ वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी आ गया है बाय कितना डिग्री, बाय 90 डिग्री, इसको मैं रब कर दूं। उसके बाद एक्सेलरेशन जो अपने पास थी वो यहां से शुरू हो गया एक्सेलरेशन, तो ये वाला ग्राफ मेरा एक्सेलरेशन है और ये येलो में डिस्प्लेसमेंट है और रेड में वेलोसिटी है, बस वेलोसिटी लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री, एक्सेलरेशन लीड्स टू वेलोसिटी बाय 90 डिग्री, एक्सेलरेशन लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है फॉर योर कॉम्पिटेटिव पर्पस। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सर? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हो, थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं इसकी थ्योरी कंप्लीट करूंगा क्योंकि इसमें मेनली मुझे क्वेश्चन वर्क पे आना है और वहीं से प्रैक्टिस होनी है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगला पॉइंट कि जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है ना, जैसे ये मीन पोजीशन ले लो और ये वाली पोजीशन आप ले लो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम दो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एक लेफ्ट एक्सट्रीम जैसे यहाँ बॉडी है वो पहले इधर जाएगी एक्सट्रीम पे, फिर वहां से वापस आएगी, फिर वो इधर जाएगी, फिर वहां से वापस आएगी। बट अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ थोड़ा सा लाइन में बड़ी कर देता हूँ, इस तरफ मैं काइनेटिक एनर्जी ले लूँ
और इस एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने माइंड में रखा, हाफ के की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब आप मीन पोजीशन पे होते हैं तो वाई क्या होता है, जीरो। मीन पोजीशन पे वाई जीरो होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वाई ए होता है, इधर माइनस ए होता है, लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड। तो आप यहाँ पर वाई को जीरो पुट करके देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी। तो ये मैंने पॉइंट सेट कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और कितनी होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर आप देखो एक्सट्रीम पोजीशन दोनों ही देख लो, प्लस माइनस ए। जैसे मैं यहाँ पुट करूँगा काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगी, तो इस तरफ को ये ऐसे मीट करेगा पैराबोलिक शेप में। ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा सा बनेगा मेरे से यहाँ, बस मैं कोशिश करूँगा कि सही से बन जाए। कि ये पैराबोलिक शेप, दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस सर। अब यहीं पर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। मीन पोजीशन पे वाई जीरो है, ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे ये ग्राफ मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, तो बनेगा पैराबोला ही। ग्राफ का नेचर कैसा बनेगा, पैराबोला। यहाँ भी देखो ये वाला पॉइंट बिल्कुल इसके सामने ले लो, क्योंकि वैल्यू सेम आ रही है, बनेगा ये पैराबोला। ये जो रेड में मैं बना रहा हूँ ये किसकी किसका ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का। और जो मैंने ग्रीन में बनाया ये किसका ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का। और जो मैं अब बना रहा हूँ किसी और कलर में, लाइक ब्लू में, ये लाइन को सीधा लगा दो, ये है मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटिव नॉर बी इस ग्राफ पे। बहुत बार क्वेश्चन आए, बहुत बार कैसा क्वेश्चन आता है देखो, इस ग्राफ पे क्वेश्चन कैसा आता है, मैं कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा, देखो मैं स्पीड में तो नहीं बढ़ा रहा तुम्हें आज। नहीं सर सही है, मुझे बता देना। नहीं सर ठीक है, फील हो रहा है कि शायद मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये चीजें ना मैंने अपने थ्योरी लेक्चर में, जब भी आपने 11th के रजिस्टर निकाल के देखना, वहां भी आपने डिटेल में पढ़ा हुआ, ऑलरेडी कॉम्पिटिशन पार्ट पढ़ा हुआ है थ्योरी का। तो यहाँ ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का नेचर आपने आंसर देना है पैराबोला। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का भी पैराबोला। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब मैकेनिकल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि उसी टोन में पैराबोला बोल देते हैं, क्योंकि आपने पैराबोला पढ़ा होता। वो पैराबोला सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेटा, मैकेनिकल एनर्जी के लिए नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ अगर आप देखोगे तो बिल्कुल कॉन्स्टेंट लाइन आएगी और उसकी वैल्यू फिक्स है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी देखो कितनी बनी थी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी देखो कितनी ही बनेगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी देखो कितनी ही बनेगी जब हम आपको यहाँ तीनों ग्राफ मैंने बनाए हैं, तो इसको आपने ध्यान से सुनो। बड़े बेटा आगे बढ़े, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए सब लोग, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या काइनेटिक एनर्जी अपने आप में SHM है? मतलब अगर उसको एक फंक्शन की तरह लिया जाए तो क्या काइनेटिक एनर्जी SHM है? नहीं है, क्योंकि इसके ग्राफ को आप देखो, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ये पीरियोडिक तो है बट ये काइनेटिक एनर्जी SHM में कोई बॉडी, उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन मैंने, मेरा क्वेश्चन क्या है,
क्या काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ इज सिंपल हार्मोनिक? आंसर इज नो, इटसेल्फ इट इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक का जो ग्राफ बनता होता ना वो इस तरह का ग्राफ बनता है, जैसे आप अल्टरनेटिंग करंट का पढ़ते, वापिस आना पड़ेगा बॉडी को, और काइनेटिक एनर्जी आप देख पा रहे हो कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही रह रही है। अगर मैं आगे आगे लेके चलूं बॉडी को तो पॉजिटिव में रह रही है, नेगेटिव पार्ट आ ही नहीं रहा। दिस इज नॉट ए एसएचएम बट पीरियोडिक, बट पीरियोडिक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पीरियोडिक। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यही आंसर है। तो इन पांच वेरिएबल में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में, ये तीनों तो एसएचएम में ही है। इनके ग्राफ आप देख लो, डिस्प्लेसमेंट का ये होगा, वेलोसिटी का नो डाउट यहाँ से शुरू होगा लेकिन आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही चलेगा, एक्सेलरेशन का नो डाउट इधर से शुरू होगा बट अपने आप में ये एसएचएम में है। तो ये तीनों वेरिएबल एज ए फंक्शन एसएचएम में, ये दोनों वेरिएबल एज ए फंक्शन दे आर नॉट इन एसएचएम। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक, ईशा? यस सर। अर्पित कोचर? यस सर। अभी छवि? यस सर। ऑलमोस्ट सबको आ गया। कार्तिक मरुना आ गया सर, तो ये याद रखना आप। yes. और एक क्वेश्चन जो देखो लास्ट ईयर का मैं आपको दिखाता हूँ, अभी पेपर में नहीं दिखाता, वैसे मैं लिखता हूँ यहाँ। आपको ये कहा गया कि एक बॉडी एसएचएम में जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी 50 किसकी होगी? डिस्प्लेसमेंट की भी 50 होगी, वेलोसिटी की भी 50 होगी, एक्सेलरेशन की भी 50 होगी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम बॉडी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी की या पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब बच्चे सोचते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले। एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है कि एक सेकंड में कितने साइकिल होंगे, 50 है तो एक सेकंड में 50 होंगे। बट व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी पीरियोडिक है तो फ्रीक्वेंसी तो आएगी ना। अब डिस्प्लेसमेंट की जब एक साइकिल होता है तो काइनेटिक एनर्जी के कितने साइकिल हो जाते हैं? दो हो जाते हैं ना। जब डिस्प्लेसमेंट के दो साइकिल होंगे तो काइनेटिक एनर्जी के कितने साइकिल हो जाएंगे? 4। इसका मतलब इनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी का डबल होगी, तो आपका आंसर आएगा 100। सर ये वापस एक्सप्लेन करना, ये डबल क्यों हो जाएगी? डबल क्यों होगी? फिर से सुनो, किसका क्वेश्चन है ये? विधि का? यस सर। विधि देखो, साइकल्स क्या होते हैं? एक बॉडी एसएचएम में ये उसका एक साइकिल मानोगे ना आप? यस सर। अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो होती है, उसका एक साइकिल यहीं खत्म हो जाएगा, इसके हाफ साइकिल पे इसका एक साइकिल खत्म हो जाएगा। दूसरे केस में इसका नेगेटिव होगा बट इसका नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर इसका एक साइकिल पूरा हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी के कितने साइकिल पूरे हो रहे हैं? तो अगर इसके 50 साइकिल्स हो रहे हैं तो इसके पास कितने हो रहे हैं? 100। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 100 हर्ट्ज। क्या विधि समझ में आया ये? यस सर। कमल आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। आर्यन?
यस सर समझ में आया ओके ऐसी काइनेटिक एनर्जी लेकिन अगर मैं आपसे अभी पूछूं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बता सकते हो सीधी लाइन ग्राफ होता है सर जीरो होगी मैकेनिकल एनर्जी की तो इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बता जीरो तो आपका SHM मोशन ने जो थ्योरी बन सकती थी वो मैंने आपको बता दी है बाकी तो जब हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन पकड़ेंगे तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी जैसे एक न्यूमेरिकल कई बार ये आ जाता है आप इसको ध्यान रखना कि जब बॉडी मीन पोजीशन से शुरू होती है तो आप इक्वेशन ये यूज करते हो और जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो मतलब टाइम आपका जीरो तब हो जब बॉडी कहाँ हो एक्सट्रीम पोजीशन पे तो आपने ये इक्वेशन लगानी है ए कॉस ओमेगा बस यहाँ गलती मत करना वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि बॉडी मीन पोजीशन से शुरू हुई है तो आप ये लगा दो अगर वो कहता है बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हुई है तो आप ये लगा दो जैसे बॉडी स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन इट्स टाइम पीरियड is t calculate the time when it displaces y is equal to a by 2 मतलब वो टाइम निकालो जब ये बॉडी ये एक्सट्रीम पोजीशन है ये मिडल हो गए यहां तक का डिस्प्लेसमेंट a होता है एक्सट्रीम तक और मैंने आपसे पूछ लिया ए बाय टू तक कितना टाइम लगेगा ए बाय टू तक जाने में तो इसका सलूशन कैसे निकालेंगे बहुत आसान है आप पहली बात तो मीन का है तो आप क्या यूज करोगे ए साइन ओमेगा अब उसमें डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या पुट कर दिया ए बाय टू ये बनेगा ए साइन ओमेगा इस ए से ए काट दो तो ये बनेगा हाफ इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी और साइन की वैल्यू हाफ कब होती है बताओ रेडियन में बताओ पाई बाय सिक्स पे साइन थर्टी पे हाफ होता है तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी पाई बाय सिक्स मुझे निकालना है टाइम तो मेरा आंसर कितना आ गया पाई बाय सिक्स ओमेगा अब ओमेगा क्या होता है टू पाई बाय टाइम पीरियड पाई से पाई काट दो तो अपने पास आंसर आ गया टी बाय ट्वेल्व टोटल टाइम पीरियड का टी बाय ट्वेल्व लगेगा जब बॉडी मीन पोजीशन से हाफ एक्सट्रीम तक जाएगी अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि मीन से एक्सट्रीम एक्सट्रीम से मीन मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम और मीन ये टोटल टाइम टी है तो वो कर देते हैं यहां तक का टाइम टी बाय फोर वो सही है लेकिन हाफ का टाइम भी टी बाय एट कर देते हैं वो गलत आपका टाइम यहां से लेकर यहां तक टी बाय फोर है इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि आप मीन से गए एक्सट्रीम फिर मीन फिर लोअर एक्सट्रीम अगर ये सारा टी है तो यहां तक का टी बाय फोर होगा बट मैंने पूछा हाफ एक्सट्रीम तो बच्चे उसका हाफ कर देते हैं जबकि ये टाइम कितना आ रहा है मेरा टी बाय ट्वेल्व और आगे वाला टाइम कितना आएगा टी बाय सिक्स दोनों को ऐड कर लो
पी बाय फोर होगा, दोनों को ऐड कर लो पी बाय फोर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? बोलो यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो फिर अपन फिर अपने नोट्स में क्या बनाए, अपन अपने नोट्स में ये बनाए कि मीन से लेकर राइट साइड की हाफ एक्सट्रीम तक का टाइम पी बाय 12, सॉरी पी बाय 12 याद कर ले, पी बाय 12 क्या कर ले याद कर ले, पी बाय 12 हम यहाँ से याद कर सकते हैं कितना टाइम, ये वाला टाइम पी बाय 12 और यहाँ तक जाने का टाइम पी बाय 4 और पूरा अगर पूछ ले पी बाय 4। इसी तरह ही लेफ्ट साइड में आपको जाने का टाइम मेन पोजीशन से पी बाय 12 और इन दोनों के बीच में जाने का टाइम पी बाय 6 और इधर पूरा जाने का टाइम पी बाय 4, क्योंकि बॉडी ने इधर जाना है फिर इधर आना है फिर इधर जाना है और यहाँ पहुँचना, पहुँचना एक लाइन में है, वो समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा गैप देना पड़ा। वैसे तो बॉडी ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, इधर आएगी। अब देखो लास्ट डिस्कशन है आज की, क्वेश्चन कैसे आते हैं और बच्चे कैसे गलती करते हैं। आपको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन दे देते हैं जिसका टाइम पीरियड है 12 सेकंड, बॉडी स्टार्ट होती है मीन पोजीशन से और वो आपको कहते हैं कि मीन से जाने पर, मीन से जाकर कहाँ पर लेफ्ट हाफ एक्सट्रीम तक आना। अब सीधा तो आएगी नहीं, मीन से जाएगी पहले इधर और फिर इधर और फिर इधर, आप बता सकते हो कितना टाइम लगेगा? कैलकुलेट ही करना है, यहां से यहां तक पी बाय 4, वापिस आना पी बाय 4, इधर जाना पी बाय 12। आंसर इज पी बाय 4, पी बाय 4, पी बाय 12, पी कितना है 12, 3 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड, 7 सेकंड इज दैट। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है बेटा इसमें? नो सर। नो सर। तो आज का लेक्चर मैं एक बार यही खत्म करूंगा, अभी मैंने कुछ चीजें टच नहीं की है वो मैं अगले लेक्चर में टच करूंगा। अगला लेक्चर हमारा कल ही होगा, हम 3 लेक्चर कंटिन्यूसली करेंगे, कंटिन्यूसली जिसमें मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, जो गैप आएगा उसमें आप अपनी शीट सॉल्व कर लो। कल मैं यहीं से ही क्वेश्चन निकालूंगा, जो मेरे पास क्वेश्चन है वो सारे हम पहले कवर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के भी उसमें कवर हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपको मैं शीट दूंगा जो आप करेंगे। अभी मैंने ना तो पेंडुलम टच किया, ना मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम टच किया, मैंने ये डेरिवेशन को टच नहीं किया, इसको मैंने कल के लिए छोड़ दिया फॉर टुमारो। से कल जल्दी का टाइम रख लो। यस सर। क्या कह रहे हो सर? कल जल्दी का टाइम रख लो। से केमिस्ट्री वाले सर लेट छोड़ते हैं। लेट छोड़ते हैं सर? 45 पे छोड़ा था आज भी। 45 रख देंगे, आपको तो घर से लगानी है क्लास, तो 45 पे शुरू कर देना फिर। आप 45 पे कर लेंगे मॉर्निंग में, वैसे तो मेरे पास कल फ्री नहीं है टाइम, नहीं तो मैं 10 बजे भी कर सकता हूँ मॉर्निंग में टाइम। सर 10 बजे क्लास होती है? कोई बात नहीं, क्लास है तो कल हम लोग ना 8:45 पे मिल जाएंगे, तब तक आप तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन भेजूंगा मैं, जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं शीट भेज दूंगा। ओके सर। तो पेंडुलम और ये मैंने नहीं करवाया, बाकी मैंने सारी बेसिक थ्योरी आपसे डिस्कस कर ली है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा जो इससे रिलेटेड होंगे, जितनी डिस्कशन मैंने आज की। तो कल हम लोग 8:45 से फिर कनेक्ट होंगे और मैं तब
शीट पे डाउट नहीं लूंगा मैं आपसे, मैं इसको कंप्लीट करूंगा और प्रैक्टिस करवाऊंगा। मेरा ये मानना है कि मैं प्रैक्टिस ही दो दिन में इतनी करवा दूं कि शीट में डाउट रहे ना, जो भी शीट हो फट से आपकी निकलनी शुरू हो जाए। एंड दिस इज ऑल फॉर द डे। ओके गुड नाइट। ओके सर गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू।